नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। मैं आकाश। एक समय था जब शंभुक को इसलिए मार दिया था क्योंकि उसकी वजह से गांव में एक ब्राह्मण बालक मर गया था। ठीक वैसा ही किस्सा उड़ीसा में घटित हुआ, जहां 6 बहुजनों को बुरी तरह मारा पीटा और मानव मलमूत्र खिलाया, फिर उनके दांत उखाड़ दिए। वजह यह थी कि गाँव में मौत हो रही थी। उड़ीसा के गंजम जिले में ऐसा मामला सामने आया है जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया। बताया जा रहा है कि यहाँ के गोपालपुर गांव में जादू टोना करने के शक में लोगों ने 6 बुजुर्गों को भयंकर अत्याचार किया गया। बहुजन समाज के 6 बुजुर्ग लोग गांव के बाहर बनी बस्ती में रहते थे। आरोपियों ने पहले उन्हें मानव मल खाने के लिए मजबूर किया, इसके बाद उनके दांत उखाड़ डाले। पुलिस के मुताबिक गोपालपुर गाँव के कुछ लोग को 6 बुजुर्गों पर जादू टोना करने का शक था। लोगों का कहना था कि इन बुजुर्गों के जादू टोना के कारण गांव में 3 महिलाओं की मौत हो गई। लेकिन द अंबेडकर राइट टुडे में छपी खबर के अनुसार पुलिस अधिकारियों ने कहा कि डॉक्टरों की एक टीम गांव का दौरा किया और स्थानीय लोगों में बीमारी का कारण जानने के लिए रक्त परीक्षण किया। एक पुलिस अधिकारी ने नाम न छापने का अनुरोध करते हुए कहा, प्राथमिक जांच में पता चला है कि अधिकांश ग्रामीण एनीमिया से पीड़ित थे। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने इस वारदात को मंगलवार 1 अक्टूबर रात अंजाम दिया। वे 6 पीड़ितों को उनके घर से जबरन घसीटते हुए ले गए, इसके बाद उन्हें मानव मल खाने के लिए मजबूर किया गया, साथ ही पीड़ितों के दांत भी उखाड़ दिए गए। बताया जा रहा है कि इस दौरान पीड़ित मदद की गुहार लगाते रहे, लेकिन गांव वालों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। पुलिस ने बताया कि घटना में 6 बुजुर्ग बुरी तरह घायल हो गए, सभी की उम्र 60 साल से ज्यादा बताई जा रही है। पीड़ितों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनकी हालत स्थिर है। वहीं एसपी ने कहा कि जब पुलिस की एक टीम ने गाँव में घुसने की कोशिश की तो उन्हें महिलाओं के एक समूह ने रोक लिया, जिन्होंने पुलिस पर गांव के मामले में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। पुलिस आखिरकार गांव में प्रवेश करने में सफल रही और इस मामले में अब तक 29 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जिसमें 22 महिलाएं हैं। एसपी के मुताबिक पुलिस को बाकी आरोपियों के बारे में भी जानकारी मिल चुकी है, उनकी तलाश में लगातार दबिश दी जा रही है। खलीकोटे पुलिस थाने के इंचार्ज इंस्पेक्टर सत्यनारायण प्रधान ने बताया कि गिरफ्तारी के डर से अधिकतर आदमी गाँव छोड़कर भाग गए हैं। इस वक्त गांव में तनाव नहीं है, लेकिन पुलिस स्थिति पर पूरी तरह नजर रखी हुई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए और ताजा अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को दबाना ना भूलें।